एक सज्जन बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे, पत्नी ने कहा कि चले जा। बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए, लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया, कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आकर बैठे थे, लोगों ने उन्हें देखा कि आइए 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 आइए, सब लोग आइए आइए, तो आसन बिछा दिया, कहा बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई हुई, सो गए। अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन, किसी ने नहीं जगाया। कथा पूरी हो गई, व्यास जी भी चले गए, सब श्रोता चले गए, अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी, तो उसने धीरे से जगाया, बोले जाइए, कथा हो गई। हाँ हो गई, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। घर पहुंच गए, पत्नी ने कहा कथा सुनी? हाँ सुनी, पर वहां तीन तो शब्द आइए बैठिए जाइए बस। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है, कल फिर जाना। तो अपने कमरे में जाकर बैठा, नींद नहीं आ रही थी, कथा में सो के आया था, घर में कैसे नींद आवे। बिजली बंद कर दी, अब लेटे नींद बैठ गया। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, तो मंत्रों का जप करे तो बार बार कहा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, घर में घुसा चोर, चोर ने जैसे ही प्रवेश किया ये बोला आइए, चोर ने कहा किसने देख लिया, तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा, तो ये बोला बैठिए, अरे बोले इसने पहचान लिया। तब तक चोर भागा, और भागा तो ये बोला जाइए, चोर ने समझा पहचान लिया, पकड़वा देगा कल, तो चोर दौड़ा दौड़ा आया, इसी के चरणों में गिर गया, चरण पकड़ ली, जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया, मुझे बचा। ये घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए, लाइट जलाई, घबराया, देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, रुपया पैसा, अरे भाई तुम कौन हो? अब वो कहे आप तो सब जानते हो, हमसे काहे को कहलाते हो, और ले रुपया पैसा चढ़ा के गया। पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए। पत्नी ने पूरी बात समझ कर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया, और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाएंगे।